welcome to HNN News channel to get daily national and international news updates. Please subscribe our channel and press the bell icon. भारत और चीन के कमांडरों के बीच बैठक में तय हुआ है कि तनाव कम करने के लिए दोनों देश अपनी सेनाएं बेस में हटाएंगी। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम ने बताया है कि दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल ने मंगलवार को करीब 12 घंटे चली बैठक में यह फैसला लिया गया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 1,06,85,139 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें अब तक 58,52,123 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,16,326 लोगों की जान जा चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि दुनिया में हर रोज 1,60,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हांगकांग में 1 जुलाई से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू हो गया है। इसके बाद शहर शहर में प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार ने विरोध को देखते हुए पहले ही हर जगह पुलिस तैनात कर दी थी। पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लोगों पर पेपर स्प्रे और पानी का बौछार करने लगी। पुलिस के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उल्लंघन को लेकर बुधवार को 2 संदिग्धों समेत 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि 50 साल में दुनिया से 14.26 करोड़ महिलाएं लापता हुई। इनमें से 4.58 करोड़ अकेले भारत की हैं। UNFPA की विशेष आबादी की स्थिति 2020 रिपोर्ट में बताया गया है कि 50 साल में लापता महिलाओं की संख्या दुगनी हो गई है। बिडेन ने ट्रंप पर COVID-19 महामारी के चलते अमेरिकियों को आत्मसमर्पण करने और फेल होने का आरोप लगाया है। PhD करने के लिए ब्रिटेन जाने वाले स्टूडेंट्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। भारत समेत दुनिया के अन्य देशों के स्टूडेंट्स अब PhD पूरी करने के बाद यहां नौकरी कर सकेंगे। इसके लिए भारत ने वीजा के नियमों को आसान बना दिया है। ब्रिटिश सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 2021 के PhD करने वाले स्टूडेंट्स अध्ययन के बाद काम करने के लिए ब्रिटेन में 3 साल रह सकेंगे। भारत पर सरकार गिराने की साजिश के आरोप लगाने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में है। मंगलवार को सत्तारूढ़ NCP के तमाम सीनियर लीडर ने प्रधानमंत्री से फौरन इस्तीफा देने को कहा। ओली ने सफाई देने की कोशिश की लेकिन इसका असर होता नहीं दिखा। HNN न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ मोहम्मद फैजान।